हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक सुकुमार, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इन ऑन्कोलॉजी। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी क्या होता है? इसमें ज़्यादातर हम लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी को मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के तौर पर माना जाता है। इनके बेनिफिट्स क्या होता है नॉर्मल सर्जरी के ऊपर? लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी जब हम करते हैं तो बड़ा सा चीरा नहीं पड़ता है जहाँ पर हम सर्जरी करते हैं, और दो तीन द्वार के यूज़ करते हुए हम बड़ा सा सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी होता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, और अपना जो काम है और वर्क में ज़्यादा जल्दी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट विज स्लाइटली मोर देन द ओपन सर्जरी, अगर आप सर्जरी एज सच का कॉस्ट देखें, लेकिन अगर आप ह्यूमन वर्क आवर्स या फिर आपका ओवरऑल कॉस्ट देखें हॉस्पिटलाइजेशन और वापस वर्क ज्वाइन करने का, तो द कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो वी एनकरेज आर पेशेंट्स टू अंडरगो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी वेन दे आर ओके विथ इट एंड दे आर इन अ स्टेज ऑफ कैंसर विच मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड। आर देर एनी सिचुएशंस इन विच मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड? ये सिचुएशंस क्या होते हैं? एक होता है जब बहुत ही ज़्यादा एडवांस कैंसर हो बट वी स्टिल हैव टू डू सर्जरी। सेकेंड इज सर्टन मैलिग्नेंसीज, कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करने के बाद आउटकम्स थोड़े बुरे हो सकते हैं। एक दो साल में ऐसे पता चला है कि सर्वाइकल कैंसर जो है उसमें जब हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं तो उनका आउटकम बहुत ही बुरा होता है और वापस कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में जब सीए कैंसर या सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट्स आते हैं, हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का ऑप्शन नहीं देते हैं। बट बहुत सारे कैंसर्स जो हैं, जैसे कि ईसोफेजियल कैंसर या फिर लंग के कैंसर, लिवर कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, अप टू स्टेज 3 ऑल्सो वी डू मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इज सेफ फॉर द राइट स्टेज इन कैंसर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।